होमनाबाद से होमनाबाद जेडीएस से मिले कैंडिडेट सीएम फैज साहब ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए कहे कि जैसा कि ये महीना रमजानुल मुबारक का गुजरा है, इबादतों के साथ कहे पूरे 11 महीने भी इसी तरह इबादत के साथ गुजारे और कहे कि सीएम फैज साहब ने कि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सभी मजहब के आपस में इसी तरह भाईचारे से रहे और हम भी सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं और उसी के साथ ही साथ अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब के रोज़ों को, इबादतों को और नमाजों को कबूल करे और आइंदा रमज़ान भी हमें नसीब करे और इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम इसी तरह भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह हम सब को बला मुसीबत और बुराई और बीमारी से भी हमें महफूज रखे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि सीएम फैज साहब ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए और क्या कहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सारे हुमनाबाद के अवाम को मेरी तरफ से ईद उल फित्र की मुबारकबाद है। 29 दिनों के रोज़े के बाद कल हम ईद उल फित्र मना रहे हैं। बस यही राय कि जो 29 दिनों में हम सब्र से इबादत करके अल्लाह की याद बारगाह में बैठे रहे, आगे आने वाले 11 महीने भी इसको आप निरंतर अपने साथ लेके जाइए। यही है कि सबके साथ रहे, सबको नेक बनाए और अल्लाह, मेरी सबसे शुभकामना यही है कि अल्लाह आगे हर तबके के लोग, हर हलके के लोग, हर ज़ात के लोग को एक बनाए और नेक बनाए और हम सब को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक माँ की बच्चे की तरह इस मुल्क में चैन और अमन से रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कल ईद है सर, 29 रोज़े हो गए, कल ईद में ईद भी नमाज़ पढ़ने बहुत सारे लोग आएंगे, तो सभी को क्या मैसेज देना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी 10 बजे इधर ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए रहूँगा, मौजूद रहूँगा। सबसे एक मुलाकात करने के फिर से एक मौका मिलेगा। मैं सबसे गुजारिश है कि मैं भी कल वहीं पे पढ़ूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलकर खुशियाँ बांटने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सारे हुमनाबाद के अवाम को मेरी तरफ से ईद उल फितर की मुबारकबाद है। 29 दिनों के रोज़े के बाद कल हम ईद उल फितर मना रहे हैं। बस यही राय कि जो 29 दिनों में हम सब्र से इबादत करके अल्लाह की याद बारगाह में बैठे रहे, आगे आने वाले 11 महीने भी इसको आप निरंतर अपने साथ लेके जाइए। यही है कि सबके साथ रहे, सबको नेक बनाए और अल्लाह, मेरी सबसे शुभकामना यही है कि अल्लाह आगे हर तबके के लोग, हर हलके के लोग, हर ज़ात के लोग को एक बनाए और नेक बनाए और हम सब को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक माँ की बच्चे की तरह इस मुल्क में चैन और अमन से रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कल ईद है सर, 29 रोज़े हो गए, कल ईद में ईद भी नमाज़ पढ़ने बहुत सारे लोग आएंगे, तो सभी को क्या मैसेज देना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी 10 बजे इधर ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए रहूँगा, मौजूद रहूँगा। सबसे एक मुलाकात करने के फिर से एक मौका मिलेगा। मैं सबसे गुजारिश है कि मैं भी कल वहीं पे पढ़ूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलकर खुशियाँ बांटने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।